वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन की बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन को इट इज आल्सो नोन एज अ डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि हर एक चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरी जरूरत होती है। तो आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या वो कोई भी चीज हो, एंजॉयमेंट की चीज हो, अगर उसे आप टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है, दैट मीन्स टूडेज टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। हम बार बार ये बताते हैं कि साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और बार बार हर टॉपिक में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को बहुत फोकस करते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इट्स अ रेमेडी फॉर साइंस और बायोलॉजी। ये एक रामबाण होता है साइंस के लिए या बायोलॉजी के लिए। ठीक, बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम क्यों बताते हैं, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, रेप्लिकेशन, केशन एक प्रोसेस है, आई ओ एन आर आर, रेप्लिकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि आल्सो नोन एज रेप्लिकेशन। सिर्फ रेप्लिकेशन को समझते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृति, प्रतिकृति। प्रतीक का मतलब एंटी, प्रति का मतलब क्या, जो फॉर्म है। ठीक, यानी कि कोई एक ऐसा फॉर्म उसके जैसा, उसके जैसा। एंटी का मतलब उसके जैसा, कोई फॉर्म एंटी का मतलब विपरीत में लेंगे, उसके जैसा फॉर्म बनेगा उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। यानी डीएनए के जैसा एक और डीएनए का फॉर्म बनना, दैट इज अ रेप्लिकेशन। ठीक, दैट इज अ रेप्लिकेशन। ठीक, इट इज आल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। इट इज आल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज अ प्रोसेस, क्या है, आई ओन लगा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है। डुप्लीकेट का मतलब कोई एक डीएनए है उसके जैसा एक और डीएनए बनना, दैट इज अ फॉर्म ऑफ और ए प्रोसेस ऑफ इज अ डुप्लीकेशन। यानी कि इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। यानी कि इसमें डीएनए के एक अणु से दूसरे अणुओं का निर्माण होता है, जिसे डुप्लीकेशन कहते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन कई टाइप से होता है, कई मॉडल दिए गए हैं। ठीक, कई इसके मॉडल दिए गए हैं, और इस मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड फिक। ये तो पता चल गया कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक, और डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। अब हमें एक मॉडल पढ़ना है रेप्लिकेशन के रूप में, डेट इज द अकॉर्डिंग टू द वॉटसन एंड फिक। लेट्स सी द वॉटसन एंड फिक मॉडल। चलिए अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस लेते हैं वॉटसन एंड फिक के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो चलिए एक हम इसका फ्रैगमेंट लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक हमने इस तरीके से फ्रैगमेंट किया और हम इसे डिजाइन, इसका जो स्ट्रक्चर है देखते हैं। ठीक, बार बार कह रहे हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी से हमें काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं, और ये काफी कामगर चीज है, इसलिए आप लोग याद रखें। ठीक है, हमेशा के लिए याद रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत समझने में आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसे और, ठीक, और थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ठीक, ये कुछ इस तरीके से इसको दूर कर लिया। ठीक, थोड़ा
मसल्स को और बेंड इधर कर देते हैं ताकि समझ में आए किधर। ठीक, इसको क्या किया, अब इसको भी क्या करना है आपको, डबल करना है। आराम से करेंगे बिल्कुल पेशेंट के साथ। ठीक, दिस वन, ठीक, इसका अच्छे से होगा ये इस तरीके से कुछ, और फिर ये भी इस तरीके से, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, डीएनए पोर्सिलिन क्लिक ने डबल स्टैंडर्ड भी डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए की बात की थी और उसी के हिसाब से ये थियरी है इनकी। ठीक, इसको भी इस तरीके से करेंगे, डबल स्टैंड मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन क्या एक ये ओल्ड टेम्पलेट डीएनए है और उस ओल्ड टेम्पलेट डीएनए से उसके ही जैसे दो डीएनए की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही। डेट इज द प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। दिन तो बात समझ में आ रही थी। चलो, ये क्या है, से चार बेस पेयर होते हैं, हमको जानते हैं। ठीक, यहाँ पे रब हुआ जा रहा है तो उससे आप सही कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी। ठीक, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे जा करके। ठीक है, ठीक, ठीक, थोड़ा गोल बनाना। दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रीटेड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत मेन रोल होता है इसका। ठीक, एंड दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड दिस इज अ बेस पेयर, बीपी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ओके, एंड दिस इज, ठीक, ये पॉलीमरेज है। ठीक, ये होता है ओल्ड टेम्पलेट डीएनए, ओल्ड टेम्पलेट डीएनए। ठीक, ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, यही न्यूक्लियोटाइड ये ओल्ड टेम्पलेट का होता है, जब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ढीले हो जाते हैं या थोड़े से क्या हो जाते हैं, किसी तरीके से उनका जो प्रोसेस होता है या ये डीएनए पॉलीमरेज जब ट्रीट किए जाते हैं तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वीक होंगे या तो ढीले होंगे। तो ये जो ओल्ड टेम्पलेट डीएनए होता है न्यू स्ट्रैंड बनाता है, न्यू स्ट्रैंड बनाता है, न्यू स्ट्रैंड बनाता है। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, फिर से डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं, हेलिकल कॉइल डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं। दिस इज द रेप्लिकेशन प्रोसेस गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ओके, अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन प्रोसेस गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। ये डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक ने रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन का मॉडल दिया था, जहां पे डीएनए जो फर्स्ट डीएनए होता है या जो ओल्ड टेम्पलेट डीएनए होता है उससे क्या होते हैं, दो उसके जैसे अणुओं के या डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज अ डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। चलिए, जब हमने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, ठीक, कैसे ये होता है ये समझ लिया, अब हम इसके इंटरनल बात करते हैं कि ये तो एक ओवरव्यू हो गया, अब इसके इंटरनल फंडामेंटल फैक्ट की बात करते हैं।
जब हम इसके इंटरनल फंडामेंटल फैक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि थ्योरी में लिखे हैं कैसे, डुप्लीकेशन प्रोसेस फंडामेंटल फैक्ट, डुप्लीकेशन प्रोसेस फंडामेंटल फैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा इधर लगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें होता क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल के अपने जैसे डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करने की क्षमता को रेप्लिकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेशन। ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है? रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म में होता है। ठीक, ये जो रेप्लिकेशन होगा इसमें न्यूक्लियस में उपस्थित क्रोमोसोम के डीएनए तथा क्रोमेटिड माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक से दो में डेवलप हो रहा है, डेट मीन्स माइटोसिस सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस में उपस्थित क्रोमोसोम में डीएनए तथा क्रोमेटिड क्या होते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा एक से दो डॉटर क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। ठीक, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए की संख्या क्या हो जाती है? 2n हो जाती है, यानी कि द्विगुणित हो जाती है। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक, इतनी बात समझ में आई, फिर और देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्वाड हेलिक्स ठीक क्या करेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इसके स्ट्रैंड, दो नए स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के पॉइंट हेलिक्स जो होंगे, जो एक है इसे क्या होगा, दो हेलिकल स्ट्रैंड बनते हैं, तो ये बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस न्यूक्लियोटाइड नए स्ट्रैंड के बनने से रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है इस स्ट्रैंड में चारों बेस पेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं?
लचीले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं, जिससे कि डीएनए के नए दो स्ट्रैंड बनते हैं। दिस इज द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से यह होता है। ठीक, फिर बताएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए, तो नए स्ट्रैंड बनते हैं और इसमें चारों बेस पेयर अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री चेन का प्लेस का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो जब ये बेस स्टैंड टूटते हैं, ठीक, नए स्टैंड का निर्माण होता है, तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री चेन में ये क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अंकित तिवारी गर्ल कंपनी एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन चारों बेस पेयर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, बेस पेयर अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री चेन से क्या होंगे, जुड़ेंगे या निर्धारण करेंगे उसका, अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री चेन से जुड़ेंगे, राइट, इनसे जुड़ेंगे किस लॉ के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं, ठीक। और इनमें पाए जाने वाले, ठीक, जितनी यूनिट्स होती है, पाए जाने वाली यूनिट्स, जैसे कि एटीपी, एडेनिन थाइमिन, ठीक, यूनिट्स एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, ठीक, ये सारी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री चेन के द्वारा दूसरी चेन को आकर्षित करती है या उसका निर्धारण करती है, जिससे डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और ये फॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद बात करेंगे, छोटा सा ये ओवरव्यू है सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फटाफट देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका क्या रेप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि डीएनए में स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ठीक, और ये जीव के अस्तित्व के निर्माण के लिए, दो एक बार मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया, जीव के अस्तित्व के निर्माण में सहायक है, ठीक है, सहायक होती है, ठीक। दूसरा क्या होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन की क्षमता होती है और ये जीव के अस्तित्व निर्माण की में क्या होती है, सहायक होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि देखिए, ऐसे अगर बोले ओल्ड टेम्पलेट डीएनए से बता सकते हैं, ओल्ड टेम्पलेट डीएनए से डॉटर डीएनए में, ठीक, जो संदेश होंगे या जो डीएनए होगा
वो क्या होता है, बराबर बराबर होता है, यानी पेरेंट सेल का बराबर बराबर डीएनए होता है, ठीक है, बराबर बराबर डीएनए होता है, ठीक। उसके बाद रेप्लिकेशन के द्वारा ही डीएनए में या डीएनए के अणुओं की संख्या, ऐसे भी ले सकते हैं अणुओं की संख्या, ठीक 2n, ठीक 2n होती है। हम जनरेशन में बोलते हैं हमें हाफ हाफ मिलता है मदर से, हाफ मिलता है फादर से, तो जनरेशन यानी कि वो जो डॉटर होगी उसमें 2n नंबर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो डीएनए में 2n होता है, ठीक। तो रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए या जो डॉटर सेल्स को जो संख्या मिलेगी वो 2n मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस खत्म होता है। आई होप कि आपको ये आज की पाठशाला समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रणाम।